बॉलीवुड के पावर हाउस ऑफ एनर्जी के लाए जाने वाले रणवीर सिंह कभी चिकन बेचा करते थे? क्यों चौंक गए कि भाई सोनम कपूर के रिश्तेदारों को आखिर चिकन बेचने की नौबत कहाँ आन पड़ी? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई रणवीर सिंह सोनम कपूर के रिश्तेदार, ये कैसे? कोई सब सवालों का जवाब आपको हम देंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहली बात तो रणवीर सिंह का सरनेम कभी रणवीर सिंह था ही नहीं, उनका असली नाम रणवीर भवनानी है और वो सोनम कपूर की माँ सुनीता कपूर के फैमिली रिलेटिव हैं। जिस हिसाब से थोड़ा जोड़ें, घटाएं, गुणाकार करके भागाकार करें, इस हिसाब से वो सोनम कपूर के कज़न निकलते हैं। लेकिन अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात मिलने से पहले रणवीर ने बहुत कुछ देखा और किया है, वो सब क्या है ये आपको बताते हैं। तो देखिए, रणवीर को एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, पर वो ये भी जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले क्रिएटिव राइटिंग पर फोकस किया। इसके बाद उन्होंने बैचलर्स की डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक्टिंग क्लासेस और थिएटर ज्वाइन किया। लेकिन रणवीर की एक और खास बात थी, वो खुद का पेट खुद पालने वालों में से थे और ये आदत उनकी बहुत काम आई। यूनिवर्सिटी के दिनों में बनाते थे बटर चिकन। भाई रणवीर सिंह ने कॉलेज डेज के दौरान पार्ट टाइम नौकरी भी की है। वो की एक रिपोर्ट कहती है कि रणवीर ने यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त स्टारबक्स में पार्ट टाइम नौकरी की थी और तो और एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए वो अपने कमरे में बटर चिकन भी बनाकर बेचा करते थे। साथ ही बटर चिकन के बदले में वो अपने दोस्तों से होमवर्क या फिर कोई दूसरा काम निकलवा लेते थे। अब देखिए, उनकी एनर्जी उन्हें बटर चिकन से मिली है या फिर जिम से, ये तो वही जाने, लेकिन दुनिया को सतह से देखने वाले और ज़िंदगी को ज़मीनी स्तर से जीने वाले रणवीर सिंह को इंडिया टीवी शोबिज़ की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे।